भाई आंखें फट गई होंगी, दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। सोचो हम पे क्या बीती होगी जब हमने लाइव ये सब अपनी आंखों के आगे देखा होगा। ये घटना है कल रात की, पूरा आज आपको बताता हूँ भाई, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। हम बार भी बस हम भी बचे ही ये लगा लो बस, ये हम भी इसके पागल बन रहे थे इसके चक्कर में। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ऋषिकेश में, यहाँ पे हम कल रात को हमारा प्लान बना कि चलते घूमने के लिए। तो हम लोग भाई घर से निकल गए 12-1 बजे के लगभग। हम लोग आराम से स्मूथली 80-90 पे चल रहे थे। दुनिया भर की गाड़ी चलती रहती है और वीकेंड भी है और गर्मी आ गई है, तो ऋषिकेश वगैरह पीक पे है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था मतलब रोड पे रात के 2-3 बजे भी। भाई उसी में से एक गाड़ी दिखती है हमको, टाटा नेक्सॉन। मतलब हमको नहीं पता था, हम नॉर्मल ही चलते जा रहे थे, एकदम से क्या हुआ एक जगह पर, मतलब हम बहुत देर से नोटिस था उसको कर रहे थे, बहुत रैशली चला रहा था वो, बहुत स्पीड में। हमको क्या ही मतलब था, दुनिया की गाड़ी चल रही थी, सब कोई मंदी चलाता है कोई बहुत ही तेज चलाता है। एट ए मोमेंट आया, उसको कट मारने की जगह नहीं मिल रही थी, हमने थोड़ी ओवरटेक कर ली तो वो हाथ दिखा के कह रहा था जाओ जाओ जाओ। पता नहीं वो मतलब जैसा आप इस वीडियो में कह रहे हो ना ऐसे करके पता नहीं क्या। मैं क्या चल ठीक है भाई गए, तो हम आगे चले गए, फिर एकदम से आया स्पीड में, उसको क्या हुआ फिर एकदम से ओवरटेक करके गया। मतलब बार बार ये हरकत कर रहा था भाई टाटा नेक्सॉन वाला। तो भाई जट हमारी भी थोड़ी वो है नया खून जाट बुद्धि हमारी भी चटक गई, हमने भी की ले तू यार टाटा नेक्सॉन, पेट्रोल में थी डीजल में हमें नहीं पता, पर पेट्रोल में भी 120 बीएचपी वाला इंजन आता है उसके अंदर, टर्बो पेट्रोल 1.2 वो 1200 सीसी का, तो वो बढ़िया भाग लेते टाटा नेक्सॉन अगर वो कोई भगाने वाला हो। तो हम भी थोड़ा सा ऐसे कि अच्छा ठीक है भैया ले, अगर ऐसी बात है तो फिर हम भी थोड़ा सा मैं भी भगाने लग गया। जट मेरे पे क्या हुआ ना, चौथी की जगह दूसरा गेयर लग गया जट, इतने में ही अब आप जो वीडियो में देख रहे हो एकदम ही खींच ले गया जट भाई मेरी, वहीं पे मतलब थोड़ी हिम्मत टूट गई कि ये छोड़ यार। मैं कान पकड़ के सॉरी मांग रहा हूँ भाई अपने इस एक्ट के लिए, क्योंकि मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि यार ऐसी क्यों बुद्धि चटका रहा है। देखो खुल के बताऊंगा ईमानदारी से भैया, अपनी सबसे प्यारी गाड़ी कसम, मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा अपने आप को, वो सिखाऊं भैया कि मैं बहुत अच्छा। तो फिर मैंने चलो फिर मैंने मोमेंटम बनाया कि चल पकड़ता हूं इसको यार, कि यार एक हमारे पास डीजल सेल्टो जिसकी मैं तारीफ करता रहता हूं, नेक्सॉन से थोड़ी हरवा देंगे अपनी को। चलते गए उसने ना वो हाथ नहीं आ रहा था मेरा, मैं ऐसे ही आपको बताऊं तो उसने एक कट मारा दो ट्रकों के बीच में से, मतलब इतनी सी बसी होगी उसकी बस। जट भैया मैंने तो हाथ जोड़ लिए, मैं कहा यार रेस ना लगा रहा भाई मैं इससे नहीं लगा पाऊंगा। और मैंने तुरंत मैं अपने दोस्तों के साथ आया था भाई, तुरंत मैंने कही थी ये बात कि भाई ये पागल इंगल पागल ना हो एक रहे कि इसको जान देते हैं भाई पर रहने दे, फिर हमने बिल्कुल ही वो छोड़ दी। फिर जब उसने देखा ना कि यार ये अब ये लोग फॉलो नहीं कर रहे, अच्छा जब रेस लगाने में ना सामने वाले को मदद तब आता है जब उसको कोई कंपटीशन दे रहा हो, मतलब उसको टेंशन जब मिल रही हो। हमने कही तू जा तो रहे, फिर हमने अपनी नॉर्मल स्पीड कर ली कि हम पागल के पागल ना होंगे भैया, एक आध सेकेंड ही बचे है। जो आपने सुना भी होगा तो हमने गाने बहुत तेज चला रखे थे अपने रात का टाइम, तो हम यही बात करते भैया एक आध सेकेंड की बात रह गए, लगते ही सब खत्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से है कहाँ से नहीं है, एक दिल है धड़कन रुकते सब खत्म हो जाएगा। ठीक है छोड़ो डट भैया, अब इसने फिर ऐसी हरकत करी आगे जाके, ये फिर इसने स्लो कर ली हम पर, हम अपनी स्पीड पे थे। वो ये वो खरगोश वाली हरकत कर रहा था एकदम भगा के, थोड़ा रेस्ट ले लेता था फिर कछुआ, फिर आप जैसे हम कछुआ आगे निकल जाते थे डट, उसने वही हरकत करी, इसने हमको फिर आगे जाने दिया, पोक कर रहा था बार-बार। हाँ बार बार पोक कर रहा था, फिर आगे जाने दी इसने, हम झट भाई हमने आगे निकाल लिया हमने नॉर्मली। फिर आता है कहानी में मजा तो क्या, खैर मजा तो इसकी सजा बन जाती। अब इसने सोचा फिर एकदम इनको ओवरटेक करके इनको मजा दिखाता हूँ, पर इसकी मजा फिर वो होता ना कर्मा एग्जिस्ट या फिर बखत खराब चलता है जब ऐसे ही हो जाता है। ये मेरठ से हरिद्वार वाला रोड आपको बताओगे डबल लेन है ये, है ना, तो तीसरे रोड पे जैसे कच्चे में उतार के मैं चल रहा था, फिर साइड में एटिका चल रही थी, दोनों लाइन खुद थी, उसने कच्चे में उतार के एकदम जैसी ओवरटेक करी। भैया इतना निट बचा है ना ये लड़का, पता नहीं कितने जने थे, ड्रिंक कर रखी थी नहीं कर रखी थी इसके बारे में भाई बोल नहीं सकते। मतलब यार पूछो ठीक है, पूछो ठीक हो ठीक है भैया, धीरे चला लो कोई बात नहीं, अरे कोई जल्दबाजी नहीं है यार भाई, ले हैगी ऐसी तैसी भगा लो गाड़ी, नीट सीट बचाओ यो, बच गो जिंदगी बस बच गो।
ही भगा रहा हूँ दस जाएगी। मैं तो कह ही रहा हूँ जब मैं पीछे देख लियो इसी से मैं तो एक पूरी गाड़ी ले करी छोड़। मैं जब तक ही मैं कह रहा हूँ ना कल कभी ना बने करें। हाँ पहले बहुत समझदारी वाली काम करो यो रोड पूरा खुल्लो है कोई इधर उधर ना हो साइड में वो जो ते तो भगा रहा लाइट मार रहा डिपर मार रहा अरे देखी नहीं तने। हाँ देख रहा हूँ ना भाई। इसके बाद भाई जो हमने देखा ना हमारे खुद हाथ पंप खुल गए हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि आज तो ये गई। वो तो भगवान की कोई सूदी निगाह थी इसके ऊपर जिससे आदमी बच गया और बाजे बच गए। तब भी इतनी अकड़ में था भाई कुछ दोस्त कुछ ना हुआ ठीक है जाओ 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 जाओ। अब मैं इससे आपको बस एक ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखो जो ये लोग हवाबाजी करते हैं ना जैसे ये भाई अगर इतना सा भी कुछ हो जाए ना जैसे वो अपनी हवा बना रहे थे हमारे आगे लगा लो किसी के भी आगे लगा लो। अब इसकी इज्जत बची कुछ हमारी नजरों में फुस्सा ड्राइवर निकला नहीं निकला है वो तो गाड़ी थोड़ी सी कंट्रोल कर गई है क्या अपने आप इसके गाड़ी कंट्रोल नहीं वो अच्छी कर्म थे कोई अच्छी किस्मत थी उसकी जो बच गया वरना हमको लगा था गया। अगर डिवाइडर दाग जाती ना इसकी गाड़ी अगर दूसरी साइड चली जाती और सामने से कोई आ रहा होता सोचो उस बंदे को भी लेके जाता ये हमारी लेन में और दो तीन गाड़ी आगे पीछे चल रही होती क्या होता भाई वो तो रोड खाली था जो इसके बनो रही सर का बे यार अभी एटीट्यूड दिखा रहा हूं। हां भाई दोस्त सब ठीक है ऐसा रोड होता ना जैसा अब यू आ एक चार है जाती पलट जाती गाड़ी पलट जाती और बस तो ना काई भी कीमत में भाई चाकी गेलो कुछ जो बैठो साडा समझाना सके यार बहुत ही गंदी सला रहा भाई बहुत ही ज्यादा गंदी हिमांशु। अरे हमारी आंख फटी की फटी रहेगी भाई कि यू का कर रहा है लाइव देखो आके सोच के देख यार। तो भाइयों इसीलिए कहते हैं गाड़ी आराम से चलाओ और कोई रोड पे ऐसा कोई मेंटल दिखे आदमी अब देख रुक गो वही अब सत्ता रोएगा फिर पानी वानी पिएगा दूसरा जन्म मिलेगा और ना चलाएगा तो 80 अब ना अब कटपट मान लो जिंदगी में भूल जाएगा यू आराम से चलो प्यार से छोड़ पहुंच जाएंगे कोई बात नहीं एक घंटा को रास्ता बच रहा यार बस हद की बात है चाहे तो अब बिना माने अब फिर आवे पीछे दे अब तो मोड़े अब फिर तो नहीं लगा यमराज तो दे रहा है बढ़िया थोड़ा ऋषिकेश जा रहा हूँ भैया हरिद्वार नहाने के गंगा मैया तो हमारी बात है घर के इनकी कर्म बढ़िया है जो बच गो बस बाकी कंट्रोल में ना ही गाड़ी नहीं ना कंट्रोल में। तो भाई अभी जो आपने सीन देखा ये देखो हम हरिद्वार जा रहे हैं फिलहाल हरिद्वार बच रहा है केवल 60 किलोमीटर है मात्र और मेरे दोस्त से डिस्क्राइब करेंगे भाई साहब। हाय मैं यो कह रहा हूँ ये तो मैं तो जग रहा था चलो मैंने तो सारा इंसिडेंट देखा ये बंदा सो रहा था हमारे ना गाने बज रहे इसलिए डेस्क में इतनी तेज नहीं आया आवाज नहीं आई हुई मैं सो रहा था इतनी तेज आवाज आई और ब्रेक लगी थी गाड़ी में चर्र चर्र होती है ना चर्र में क्या होगा और जैसे मेरी आंख खुली ना सामने वाली गाड़ी चलाएगा तो पलटेगी रोड पे धूल ही धूल। वो बंदा इतनी तेज मतलब जैसे मूवीज में दिखाते है ना भाई 150+ थी उसकी स्पीड है ना और मैंने साइड में कच्चे में उतार दी जैसे साइड ली वो ओवरटेक करने के चक्कर में था मैं बताऊं उसको लगा था कि थोड़ी विंडबाजी हो जाएगी ऐसे निकालूंगा साइड में से वाका पता है वाकई मौत इंतजार कर रहा है पर टचवुड भाई बच गया बेचारा अच्छे कर्म थे। मैं हम यही बात कर रहे हैं मैं और संदीप बार होता ना कोई ईगो में लग जाती उसके और उसके साथ भगाता ऐसे बंदे के साथ कभी वो मत बनो पागल भाई। जब उसको हमने कट देखा ना जैसे सामने दो ट्रक है ना भाई वहाँ के बीच में थे भैया ये सब हरकतें चाहे देखो फिर टाटा हो चाहे किया हो चाहे क्रेटा हो या मरी रिनोल्ट हो मारुति क्यों ना हो अगर ऐसी हरकत खुद करोगे मौत को बुलावा दोगे तो भाई ये गाड़ी घोड़ा का तो बस बहाना लगता है रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ, कि ये गाड़ी थी ये होती तो बच जाता हाँ, ये बच जाता भाई सब पंद का एक्सीडेंट भी इसी रोड पे हुआ था। हाँ, जब तुम भाई 200-200 भगाओगे तो कोई सी भी गाड़ी हो कोई ना बचाएगा। तो भाई मैंने तो कान में अंटा लगा लिया पता नहीं हमारे साथ ही क्यों होता है यार ये बार बार संदेश होता भगवान का सुधर जा अब ना लगा मैं आजकल मैं आप लोगों ने भी जैसे हम जैसे यंग जनरेशन है ना भाई हमारी हमें पता है कोई हमको पोक करता है हमको लगता है अच्छा यार मतलब एक गाड़ी लवर होता है ना जो उसको अपनी गाड़ी जिसे प्यार होता है कि अच्छा मेरी गाड़ी दाग निकाल ले जाएगा ऐसा कैसे। तो भाई पागल मत बनो भैया देखो सेफली चला करो आज उड़ी रिक्वेस्ट है कोई भड़काओ मिले तो उससे 100 कदम दूर चलो कह दो भाई तू नहीं कर जा कोई पोक बजा रहा है टिप्पण दे रहा है निकल भाई आगे नहीं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज ड्राइव सेफ।